हेलो स्टूडेंट, तो आज का हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड टॉपिक है रेजिस्टेंस के ऊपर। तो देखिए, हम लोग आज का टॉपिक में रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे, रेजिस्टेंस में क्या क्या चीज़ सीखने को मिलेगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, देखिए एक चीज मैं पहले बता दूं कि रेजिस्टेंस नाम से, देखिए कंपोनेंट का नाम से ही उसका वर्किंग पता चलता है, करंट को रेजिस्ट करना। रेजिस्ट करना मतलब रेजिस्टेंस का मेन काम होता है करंट को रोकना, ठीक है, करंट में आने वाले फ्लो को रोकना, वोल्टेज को रोकना, हर चीज को रोकना, तो रेजिस्टेंस का एक पार्ट होता है। तो हम लोग देखें, रेजिस्टेंस एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। रेजिस्टेंस के बारे में देखिए हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रेजिस्टेंस हमारा, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस का हमारा, रेजिस्टेंस है पांच टाइप का रेजिस्टेंस है। ओके, तो देखिए एक्चुअली हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस को हम लोग नॉर्मली दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है फिक्स रेजिस्टेंस और एक दूसरा होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। क्या क्या भाई? पहला होता है फिक्स रेजिस्टेंस, फिक्स रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो फिक्स रेजिस्टेंस में दो रेजिस्टेंस को हम लोग भाग किए, डिवाइड किए, ठीक है। तो पहला है हमारा फिक्स रेजिस्टेंस, दूसरा है वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो देखिए फिक्स रेजिस्ट, देखिए रेजिस्टेंस का टाइप्स बहुत सारे हैं, रेजिस्टेंस का टाइप्स बहुत सारे हैं। तो एक्चुअल हम लोगों को जानना है कि रेजिस्टेंस, देखिए मेन, मैंने जैसे बोला रेजिस्टेंस, बहुत तरह के रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेंगे, पर एक्चुअल जो बोर्ड में यूज होते हैं रेजिस्टेंस उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उस रेजिस्टेंस में क्या क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग मोबाइल रिपेयर करें, चाहे लैपटॉप डेस्कटॉप, उसमें कितने टाइप्स के रेजिस्टेंस यूज होते हैं, उस टॉपिक पे मैं एक्चुअल बात करने वाला हूँ। उस टॉपिक को हम लोग अपने सिलेबस के अंदर लिए हैं, इसलिए मैं उसी रेजिस्टेंस के ऊपर मैं बात करूंगा, उसी रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें रेजिस्टेंस कितने टाइप के हैं, ठीक है। फिक्स रेजिस्टेंस में कितने टाइप के रेजिस्टेंस यूज होते हैं, नंबर वन, तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग बेसी बार डिस्कस करेंगे। तो इतने सारे रेजिस्टेंस होते हैं और इसके बारे में हम लोग मेनली बात करेंगे, जानेंगे। तो पहला होता है कार्बन रेजिस्टेंस। पहला क्या होता है हम लोगों का, कार्बन रेजिस्टेंस, जो कि नॉर्मली हम लोगों ने इसके आगे टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि कार्बन रेजिस्टेंस क्या होता है भाई। कार्बन रेजिस्टेंस, अब दूसरा है चीप रेजिस्टेंस, तीसरा है वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग भी डी आर के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब चार नंबर आते हैं, देखिए
थर्मिस्टर रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, और एक होता है पांच नंबर, जैसे कि एल लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। जिसको हम लोग LDR के नाम से भी जानते हैं, LDR, ओके LDR। तो इतने सारे हम लोग फिक्स रेजिस्टेंस में इसके इसके इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग जानेंगे। ये सारे रेजिस्टेंस का वर्किंग, सीरीज, पैरेलल, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, ये होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ये सारे रेजिस्टेंस बेसिक पे हम लोग देखने जाएंगे, ठीक है। तो अब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस के ऊपर भी हम लोग देखेंगे कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस में सिर्फ ओनली फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस ही होता है जो एक वेरिएबल वेरी करता है रेजिस्टेंस के ऊपर बेस करके, ओके। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसे मैंने बोला रेजिस्टेंस का वर्किंग क्या है, तो देखिए सबसे पहला बात हम लोग कार्बन रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं, कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे, कार्बन रेजिस्टेंस, ओके नंबर वन। तो कार्बन रेजिस्टेंस होता क्या है, कार्बन रेजिस्टेंस का आइडेंटिफाई क्या है, कार्बन रेजिस्टेंस पहचानेंगे कैसे, कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में जैसे मैं आपको दिखा दूं कि कार्बन रेजिस्टेंस होता क्या है। तो जैसे कि देखिए ये एक कार्बन रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर ये विभिन्न अलग अलग टाइप के कलर कोड होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप के कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पहले के वीडियो में देखा है कि SMD नॉन SMD के बारे में, तो ये है कार्बन रेजिस्टेंस नॉन SMD टाइप्स है। ये इसके ऊपर जो आप देख रहे हो ये कलर कोड, इस कलर कोड के थ्रू हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, इस कलर कोड के थ्रू इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ये कलर कोड का यूज़ करके इस कितने वैल्यू का है नहीं है इसके सारे ऊपर हम लोग वैल्यू निकालते हैं और उस वैल्यू के ऊपर हम लोग वर्क करते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, इसका चेकिंग प्रोसेस क्या होता है, इसके एक्चुअल वैल्यू समझेंगे क्या, इसका कलर कोड क्या होता है, तो इस वैल्यू के ऊपर हम लोग जानेंगे। तो चलिए पहले आते हैं हम लोग इसके ऊपर कलर कोड, भाई कलर कोड क्या है। तो देखिए ये है कलर कोड, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कलर कोड के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कलर कोड के बारे में दिया गया है, तो भाई ये कलर कोड है क्या। तो देखिए सबसे पहला बात यहाँ पे कलर कोड को यहाँ पे अलग अलग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कलर कोड टेबल ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर बोलो बा रजिस्टेंस बोलो, दोनों का कहने का मतलब एक ही होता है, रजिस्टर बोलो बाहे चाहे रजिस्टेंस बोलो, दोनों का कहने का मतलब एक ही होता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो अब इसको वैल्यू के बारे में हम लोग समझेंगे, ये कलर कोड निकलेगा कैसे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे कलर कोड के मेंशन किया गया है, जैसे यहाँ नंबर वन ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड एंड सिल्वर, और लास्ट में आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ नो बैंड, ठीक है, लास्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है नो बैंड। अब ये है कलर, ठीक है जी। तो एक तो कलर हो गया, अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम लोग ये टेबल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कलर, सिग्निफिकेशन फिगर, मल्टीप्लाइंग वैल्यू एंड टॉलरेंस, ठीक है, मल्टीप्लाइंग वैल्यू एंड टॉलरेंस। ये होता क्या है, इसका यूज कैसे करना है, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और समझेंगे, फिगर क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है, इसको निकालेंगे कैसे,
इस फॉर्मूला से, इस कलर कोड से, इस फिगर से, इस वैल्यू से, मल्टीप्लाइंग वैल्यू से रेजिस्टेंस का कलर कोड निकलता कैसे है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आशा करता हूँ मैं बहुत इजी मेथड आपको बताऊंगा कि बहुत इजीली आप समझ सके और इसका वैल्यू को आप लोग निकाल सके। तो इसका वैल्यू निकालने का तरीका, सबसे पहला बात इसका वैल्यू निकालने का तरीका हम लोग देखेंगे। इसका वैल्यू को निकालेंगे कैसे, इसके ऊपर का तरीका हम लोग को समझना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला, आप यहाँ पे रेजिस्टेंस देख रहे हो, जैसे कि आप यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में आप देख रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कार्बन रेजिस्टेंस आप लोगों को दिखाया, इसका वैल्यू और फिगर के बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे, निकालेंगे कि ये कैसे निकलता है और इसको भारी के बारे में जानेंगे। तो इस फिगर के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले आपको इसको आप टेबल को याद करना पड़ेगा कि टॉलरेंस वैल्यू क्या है। तो जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि वैल्यू लिखा हुआ, ब्राउन का फिगर क्या है 1, रेड का फिगर क्या है 2, ऑरेंज का फिगर क्या है 3। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, फिगर का मतलब उसका वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए गोल्ड और सिल्वर और नोबैंड का कोई फिगर नहीं है, ठीक है। तो इस और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाइंग वैल्यू देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए ब्राउन का जगह 1 का जगह 10, 2 का जगह 20। जैसे मैं आपको बहुत इजी मेथड में समझा दूँ, आपको देखिए इतना आपको नहीं जानना है, एक चीज में जैसे जैसे मैं समझा दूँ। यहाँ पे देखिए अगर रेट 2 होता है तो उसका मल्टीप्लाइंग वैल्यू 1 2 का जगह 200, तो यहाँ क्या 100 हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितने वैल्यू हैं उतने शून्य यहाँ पे जीरो बैठाया गया है, जितना जीरो है, जितना वैल्यू है यहाँ पे उतना इसका वैल्यू बैठाया गया है। अब इसको वैल्यू को निकालेंगे कैसे, तो मैं एक चीज बता दूं, आप इसको कॉपी में नोट कर लो। पर और एक चीज क्या है कि इसके टॉलरेंस वैल्यू के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, जो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डॉट 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 दे करके मेंशन किया गया है। तो थोड़ा सा ऐसा टॉलरेंस वैल्यू के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का कलर कोड का टॉलरेंस वैल्यू निकालते हैं, बा इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, कलर कोड निकालते हैं, कलर कोड होता क्या है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक जीमेज के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, वहाँ पे वैल्यू उसका फिगर होता कैसा है, इसको निकालेंगे कैसे। जैसे कि मैं एक इमेज खोला हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, नहीं ये थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा ऑड हो जाएगा, मैं इजीली थोड़ा देखता हूँ, कोशिश करता हूँ दूसरा इमेज निकालने का, कि ताकि मैं आपको इजीली मैं समझा सकूँ कि उसका फिगर क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, है ना जी। तो इसका टॉलरेंस वैल्यू थोड़ा सा हाँ कुछ यहाँ पे कलर कोड, जैसे कि देखिए यहाँ पे कलर कोड आपको बहुत तरीके के मिलेंगे, आपको समझना पड़ेगा उसका वैल्यू क्या है, एक्चुअल उसका वैल्यू क्या है, उसका फिगर क्या है, ठीक है। तो मैं आपको एक्चुअल यहाँ पे दिखाने मांग रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करके यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। जैसे आप इसी को ही देखिए, चलिए तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे टॉलरेंस वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे टॉलरेंस वैल्यू के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में यहाँ पे समझाऊंगा बाद में, थोड़ा सा डिस्कस करूंगा बैंड 1 बैंड 2 बैंड 3 बैंड, यहाँ पे ओम्स क्या है, तो ओम्स को आपको तो पता ही है, मेगा ओम्स में आप